नाज़रीन, एक सवाल जो सात दिहाइयां पहले था वही सवाल आज भी हमें कंफ्यूज करता है। तो इंडियन वज़ीर ख़ारिजा हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल बातचीत का दौर है वो खत्म हो चुका है। मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा। पहले तो पाकिस्तान के साथ एक फिक्सेशन थी ना, अब बांग्लादेश के साथ भी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो सुबह शाम बांग्लादेश की नई इंटरिम हुकूमत को और उसमें जो खास तौर पे तालिबे इल्मों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं नाहिद इस्लाम, सुबह शाम गालियां दे रहे हैं, एक जहर उगल रहे हैं उनके खिलाफ। क्या समझती हैं आप, इससे दोनों मुल्कों के दरमियान नए दौर का आगाज होगा? और हमारे मुकाबले में इंडिया जो है उसने इकोनॉमी के एतबार से बहुत तरक्की की है। इंडिया के रिजर्व्स जो हैं वो हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल पे अभी पहुंचे हैं, 682 बिलियन US डॉलर। इंडिया की जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के बारे में है उसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ डिसमिसिव पॉलिसी, कि पाकिस्तान पे वक्त ना जाया करो। ये वो धमकी है जो कि इस जयशंकर ने दी है, और रद्द अमल से क्या मुराद है? बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये भारत का रद्द अमल ही है। अच्छा, अगर भारत ये कह देंगे नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? और अब वो जो हिंदुस्तान है वो इस रीजन में आप देखिए कि एससीओ को इतनी अहमियत नहीं दे रहे जितना वो ब्रिक्स को अहमियत दे रहे हैं। बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों, वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था। तो वाजपेयी साहब का दौरा है पाकिस्तान, उसके बाद कारगिल का होना, तो हमने जब वाजपेयी जैसे लीडर को कमजोर किया तो उसके नतीजे में मोदी जैसे लोग मजबूत हुए। आप क्या समझती हैं इस बयान के बाद ये चांस है कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के लिए? आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें? कौम परस्ती को समझने की जरूरत है या मुहब्बुल वतनी को सामने रखना है? बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है या पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट समझा जाए? ये देखिए सर, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि शेख हसीना के ऑपोजिशन में थी, उनकी आवामी लीग थी शेख हसीना की, ये इनके ऑपोजिशन में थी, इसके जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, वरना आपके और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अगर भारत ये कह देंगे नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। इतना बिलांद भर का देश है, बिलांद तो इतना होता है, एक तिहाई बिलांद का है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों, वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे। ये कह रहा है कि अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं करा तो बायलैटरल टाइज यानी कि जो बांग्लादेश और भारत के बीच के रिश्ते हैं, बायलैटरल रिश्ते हैं, वो सफर करेंगे यार। फिर इसने बोला कि बीएनपी वुड नेवर अलाउ एनी एक्टिविटी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो कभी बांग्लादेश की भूमि में ऐसी एक्टिविटी अलाउ नहीं करेगी जो कि भारत के खिलाफ है। ये कह रहा है कि डिप्लोमेटिक फेलियर है नई दिल्ली का, कि बांग्लादेश के लोगों की साइकी जो है, उनका जो दिमाग है वो नहीं समझ पाए। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट, अब ये ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय एस्टैब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट टू बीएनपी इवन दो चाइना, यूएस एंड यूके एंड पाकिस्तान हैव ऑलरेडी डन सो। पहले मैं इसको समझा दूं फिर मैं बाकी आपको बताता हूं। देखिए साहब, दूसरी एक मैं आपको, ये पहली दूसरी चलिए एक के बाद एक बताता हूं, आपको आसानी होगी समझने में। पहली बात तो यह कि मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात है, इतना बड़ा देश नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी तुम्हारी फौज नहीं है, इतनी तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है, अपने लेवल के हिसाब से बात करो यार, हम प्यार से बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो। फिर तुम कहोगे भारत का भारी हाथ पड़ा, भारत का भारी हाथ पड़ गया, आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है,
मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हो यार? क्यों ऐसा है कि भारत को फिर थोड़ी सी तिरछी नजर से देखना पड़े? क्यों छोटे मुंह बड़ी बात? आपको बात पता है, मुझे बांग्लादेशी साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहता है ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी, भाड़ में गई तुम्हारी दो कौड़ी की साइकोलॉजी। मैं बताता हूं, अब देखिए, ये कह रहे हैं जो हिंदुओं को मारा जा रहा है भारत गलत बोल रहा है। वो पॉलिटिकल राइवलरी है, वो रिलीजियस राइवलरी नहीं है। और हम भारत के अंदर माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं करते, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के बारे में बात। देखो ना, मैं एक बात बताना चाहता हूं बांग्लादेशियों को। आपने भी शब्द सुना होगा भूखा बांग्लादेशी। बेटा इतने मत उछलो कि जूते पड़े तुम्हें, इतने मत उछलो कि कल तुम, मैं बता रहा हूं, डॉक्टर जयशंकर, मोदी जी को बीच में आने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर जयशंकर और अजीत डोवाल साहब, ये अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, ये अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, तुम्हारी पूरी कौम बांग्लादेशी नाक से लकीरें खींचेगी। बड़े बड़े तुमसे बड़े बड़े सूरमा आए और बड़े बड़े घुटने टेक के चले गए। बीएनपी, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तुम। यू विल बी थ्रैश्ड, यू विल बी थ्रैश्ड, यू विल बी ह्यूमिलिएटेड, यू विल बी इंसल्टेड एंड यू विल ब्रेक। आई एम टॉकिंग अबाउट बीएनपी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेशी पीपल, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द बीएनपी। डोंट यूज थ्रेट्स और डोंट थ्रेटन अनलेस यू कैन बैकअप दैट थ्रेट। है हिम्मत थ्रेट बैकअप करने की? आज की तारीख में अगर सिर्फ भारत ये बोल दे कि अपने बिजली का बिल चुकाओ, तुम्हारा गला सूख जाएगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चाइना से भीख मांग के बिजली का बिल दोगे, यू ओ इंडिया मोर देन $1 billion। डोंट टॉक अबाउट सोवरेनिटी बिकॉज यू हैव नन, यू हैव सोल्ड योर सोवरेनिटी टू द अमेरिकन्स। आपने अपनी खुद मुख्तारी अमरीकनों को बेच दी, आज बड़े खुश हो रहे हो, अमेरिका आ रहा है मिल रहा है हमसे, क्यों आ रहा है ये भी तो बताओ बांग्लादेशी आवाम को, ये बताओ कि जो गोरा आ रहा है वो क्यों आ रहा है। सो दोस्तों, जब से बांग्लादेश के अंदर ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं, तब से बांग्लादेश भारत के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर चुका है, और अभी तक भी बांग्लादेश के अंदर से भारत के लिए प्रॉब्लम्स आना बंद नहीं हुई हैं। बांग्लादेश के अंदर से बीएनपी पार्टी के एक लीडर ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है, और उसने ये बोला है कि शेख हसीना को उनके हवाले किया जाए, वरना बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिश्ते भारत के साथ खराब होने की संभावना है। इसके ऊपर भारत की तरफ से अभी तो कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन आपने इस वीडियो में देखा कि मेजर गौरव आर्या साहब द्वारा जो बांग्लादेशियों को जवाब दिया गया है, वो जवाब हमारे पूरे देश का होना चाहिए, और बांग्लादेश का दाना पानी पूरी तरह से बंद करना चाहिए, तब जाकर इन बांग्लादेशियों को अकल आने वाली है। इसके अलावा बांग्लादेशी बिल्कुल नहीं समझेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि भारत के लिए अभी भी ये बहुत अच्छी बात हुई है कि भारत को वक्त रहते बांग्लादेश की असली असलियत पता चल चुकी है, क्योंकि पिछले काफी टाइम से बांग्लादेश के अंदर से भारत के लिए नफरत तो आना शुरू हो चुकी थी, लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश में रहते हुए हमारी सरकार ने और हमारे देशवासियों ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, और ना समझी में हमारा देश बांग्लादेशियों को पाल पोस कर मोटा ताज़ा कर रहा था। और ये बात पक्की है कि बांग्लादेशियों की जिस तरह की आइडियोलॉजी है, जिस तरह की उनकी मानसिकता है, बांग्लादेशी आज नहीं तो कल हमारे खिलाफ जहर उगलने ही वाले थे। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, ये कौम किसी की सगी नहीं हो सकती। पाकिस्तानियों के बारे में हमें बहुत देर पहले पता चल चुका था, लेकिन अब जाकर बांग्लादेश के बारे में भी उनकी असलियत हमारे सामने आ चुकी है कि बांग्लादेशी भारत के लिए और हिंदुओं के लिए किस तरह की मानसिकता रखते हैं, और हिंदुओं के प्रति उनके दिल में कितना जहर है। अगर अभी भी हम बांग्लादेश के साथ बनावटी तौर पर अपने रिश्ते अच्छे बनाना चाहेंगे और बांग्लादेश को खिलाते पिलाते रहेंगे, तो यह हमारी ही कमजोरी होगी। बांग्लादेश के अंदर की सिचुएशन भारत के लिए समय इस तरह की हो चुकी है कि हमारे बगल में एक टाइम बॉम्ब रखा हुआ है, जो कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और भारत के लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। और अभी के लिए भारतीय सरकार को अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को साइड में रखते हुए बांग्लादेशियों को उनकी औकात बता देनी चाहिए कि बांग्लादेशी इस औकात के मालिक हैं और भारत उनके साथ क्या क्या कर सकता है। बाकी आपका इसके ऊपर क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।